गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल चैप्टर में नेम रिएक्शन। इसमें तीन इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है जो बहुत बार आते हैं बीएससी सेकंड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, ऐसे ही नेट ईयर गेट में क्वेश्चन इससे बनेगा कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है और देन जो इसमें आपका रिएजेंट लिया गया है इसका बिहेवियर कैसा है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट नेम रिएक्शन पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जिससे खुद ही पता चल रहा है यानी ये रिएक्शन को आपको कैसे करना है थ्योरेटिकल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद आपको रिएक्शन देनी है, रिएक्शन के बाद आपको मैकेनिज्म देनी है। मैकेनिज्म का मीनिंग होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, उसको हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करने को कहलाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो डिस्कस करते हैं पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आपको या तो थ्योरी आ जाए या आपको रिएक्शन आ जाए, तो रिएक्शन आ जाएगी तो थ्योरी लिख सकते हो, रिएक्शन लिख गई तो थ्योरी आ जाएगी, या थ्योरी आ गई तो रिएक्शन हो सकती है। तो देखिए क्या होता है, यानी सिंपल सी भाषा में हम कहें तो पीनाकोल को किसमें कन्वर्ट करना, पीनाकोलोन में, पीनाकोल का पीनाकोलोन में कन्वर्ट करना किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कहलाती है पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ध्यान दीजिए पीनाकोल का नेम होता है 2,3-dimethyl-but-2,3-diol, यानी पीनाकोल कन्वर्ट इनटू 2,2-dimethyl-3-butanone, इसका नाम होता है पीनाकोलोन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटालिस्ट इज नोन एज पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये आपकी थ्योरी होगी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल CH3 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 OH OH, देन हमने क्या लिया है H2SO4 एसिडिक मीडियम, प्रोडक्ट बन गया CH3 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 C डबल बॉन्ड OH CH3 प्लस H2O। अब देखिए क्या है 1, 2, 3, 4 बात करते हैं 2,3-dimethyl, 2 और 3 पे डाइमिथाइल ग्रुप है, 1, 2, 3, 4 को हमने ब्यूट कह दिया, 2,3 के आपका OH है तो 2,3-diol जिसको हम कहते हैं पीनाकोल। ये रिएक्शन हम कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का बिहेव क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करना होता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे ही हम कंसंट्रेट H2SO4 को इन करेंगे वैसे इसको हमें आउट भी करना है। आप ध्यान दीजिए बना क्या इससे, यहां से आपका कंसंट्रेट H2SO4 तो प्रोटोनेशन हुआ होगा तो यहां से एक OH ग्रुप निकल गया, यहां से OH निकला, यहां से H निकला तो H2O मॉलिक्यूल निकल गया और CH3 का माइग्रेट हो गया 2 पोजीशन पे, 3 से 2 पे हो गया तो यहां पर केवल O बचा तो बन गया CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O, जिसको हम कहते हैं 2,2-dimethyl-3-butanone को कह देते हैं पीनाकोलोन। तो हुआ क्या देखिए, हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की, यानी प्रोडक्ट कैसे बना। मैकेनिज्म हम ध्यान देते हैं कि जब भी कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है सबसे पहले उसकी बिटवीन एक अलग कंपाउंड बनता है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट से भी इसमें क्वेश्चन देखना कि इंटरमीडिएट क्या बनता है और यहाँ स्टेप टू स्टेप हम इसको स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट आयनाइजेशन, स्टेप यानी जब तक आयन नहीं बनेंगे तब तक रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी। H2SO4 को हमें आयन में कन्वर्ट करना है, जब भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनेगा या कोई फ्री रेडिकल बनेगा तभी वो रिएक्शन आपकी क्या होगी, फास्ट होगी, वरना वो न्यूट्रल है H2SO4। आयनाइजेशन स्टेप या इसे कहेंगे प्रोटॉन फॉर्मेशन स्टेप। प्रोटॉन का मीनिंग H पॉजिटिव से है जो हमारा एसिड में इससे आएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो ध्यान दीजिए H2SO4 का जब हम आयनाइजेशन करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इससे एक H पॉजिटिव निकला तो बन गया HSO4 नेगेटिव। ये बना कैसे देखिए, HOS डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, इस पे बॉन्ड को हमको तोड़ना है, इसको भी तोड़ सकते हैं इसको भी, इस जो कोवलेंट बॉन्ड है इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है एक हाइड्रोजन का है, जो ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ था दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन गया, फुल हेड एरो से ऑक्सीजन, तो यहाँ पर H का इलेक्ट्रॉन भी ये ले गया तो ये बॉन्ड टूटा
इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया एच पॉजिटिव एच एस ओ फोर निगेटिव। तो ध्यान दीजिए एच एस ओ फोर निगेटिव, जैसे हम इस एच टू एस ओ फोर को इन कर रहे हैं ऐसे आउट करेंगे। आयन का मीनिंग होता है जब भी कोई कंपाउंड आयन में टूटेगा तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगी, वरना एच टू एस ओ फोर अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेप सेकिंग, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन बन गया तो हमने इसे क्या कहा, एक तो आयनाइजेशन हो गया, दूसरा हमने कहा प्रोटॉन फॉर्मेशन स्टेप, यानी एच पॉजिटिव हमारा निकल गया। जब एच पॉजिटिव आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन, और लास्ट में जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो डिसप्रोटोनेशन स्टेप भी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए स्टेप सेकंड आ जाएगा प्रोटोनेशन स्टेप। रिएक्टेंट है हमारा CH3 OH OH। अभी हम इस पे अटैक कर रहे हैं H पॉजिटिव का, यानी प्रोटोनेशन। तो H पॉजिटिव आपका क्या है, पोअर ग्रुप है, ये किसी पे भी अटैक नहीं कर सकता है। अटैक करने के लिए आपके पास तीन कंडीशन होनी चाहिए, या तो जो कंपाउंड इस पे अटैक करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज हो, या उसके पास आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या उसके पास आपका डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये तो अटैक कर नहीं सकता है प्रोटॉन, अटैक करेगा इसमें आपका पिनाकोल कंपाउंड। अब इसमें देखिए हमारे पास इसमें निगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो बॉन्ड हमारा बचा है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिवाइड करेंगे 2 और 6 ऑक्सीजन 2 2 4 5 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो एक ऑक्सीजन से इसने बना लिया, एक एच डी बना लिया, तो इसके पास भी बचे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसके पास भी बचे। तो आप दोनों सेम सिमेट्री है, यानी जैसी कंडीशन एनवायरमेंट इसके लिए है वैसी इसका भी है, किसी का भी अटैक करा सकते हो। तो इसमें ये वाला लोन पेयर का अटैक दिखा रहे हैं हम, अगर ये लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाके एच पे अटैक करता है, फुल हेड एरो से दिखाना है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है अटैक किया, तो इसकी बैलेंसी ऑक्सीजन की बैलेंसी 3 हो जाएगी, और एच को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन की बैलेंसी 3 होगी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे हुआ, CH3 OH, यहां पर ऑक्सीजन था, इसके पास ऑलरेडी पहले से एक एच था, जब इस लोन पेयर ने अटैक कर दिया एच पे तो एच आपका क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की बैलेंसी देखिए 1 2 3, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है, तो इससे ऑक्सीजन हमारा H2O मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो यहां पर हम बात करेंगे अब स्टेप थर्ड पे, H2O एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब देखिए ये मॉलिक्यूल आपका काफी बल्की ग्रुप का हो गया है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट कैसा होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ऐसे इसको उतार दो CH3 CH CH3 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 OH, और यहां पर आ जाएगा OH H पॉजिटिव। तो इसमें एलिमिनेट होना, आपको देखिए जो ये बॉन्ड है C और O का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है, ये बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, O बॉन्ड टूटा तो वे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज गया, पॉजिटिव पहले से ही है, H2O मॉलिक्यूल निकल गया, ऑक्सीजन ले जा रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल भाषा में बॉन्ड को तोड़ोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ले गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, सी पे पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए पहले से पॉजिटिव है तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहां बचा CH3 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 OH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो इस कार्बन का देखिए यहां पर इंटरमीडिएट बन रहा है स्टेप थर्ड में, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव है इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। अब देखिए इस कार्बोकैटायन में कितने कार्बन है, एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, तीसरा कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं 3° कार्बोकैटायन। कभी क्वेश्चन आएगा कि पिनाकोल पिनाकोल रिअरेंजमेंट में आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो उसमें बनता है 3° कार्बोकैटायन, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट, ये क्वेश्चन इससे बना। अब देखिए क्वेश्चन करना क्या है, आगे की बात करते हैं हम इसमें,
स्टेप फोर्थ, थ्री डिग्री कार्बो कटाइन मोर रिएक्टिव होता है तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, जो थ्री पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा टू पोजीशन पे, तो इसको हम लिखते हैं स्टेप थर्ड में सी एच थ्री ग्रुप माइग्रेट माइग्रेट सी टू टू सी थ्री पोजीशन, सॉरी सी थ्री से आपका सी टू पोजीशन पे आपका इसका माइग्रेट हो जा रहा है। तो कैसे होगा देखिए, इसको उतारते हैं सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच पॉजिटिव, तो इसको आपका माइग्रेट करना है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी सी एच थ्री ग्रुप आएगा वो आपका निगेटिव चार्ज में आएगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, इसको भी ले सकते हो, सिमिट्री है। तो यहाँ से आपका सी एच थ्री निगेटिव गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके सी पे छूट जाएगा पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया सी एच थ्री निगेटिव, इस सी पे जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और इस सी पे बच जाएगा पॉजिटिव सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी, यहाँ पर है आपका ओ एच और यहाँ पर है सी एच थ्री, इस पे बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का टाइम हो गया, लेकिन कितना डिग्री है, एक कार्बन इधर को जुड़ा हुआ है, एक इधर को जुड़ा हुआ है, ये बचा है, इसको कहते हैं टू डिग्री कार्बो कटाइन, ये माइग्रेशन हो गया, तब इसको हमने रीअरेंजमेंट कहा। थ्री पोजीशन से सी एच थ्री ग्रुप आपका टू पोजीशन पे चला जा रहा है तो इसको रीअरेंजमेंट हो रहा है। स्टेप फिफ्थ, मैंने आपसे दो बातें कही इसमें, जैसे हमारा प्रोटोनेशन होता है, प्रोडक्ट बनने से पहले ही आपका प्रोटॉन निकलना है तो उसको डिसप्रोटोनेशन कहते हैं, या कंसेंट्रेटेड एस्टोसपोर आपका है जो कैटलिस्ट है, जैसे हमने इन किया है ऐसे ही एस्टोसपोर को निकलना है। तो स्टेप फर्स्ट में जो हमने एनालिसिस किया था उससे एच पॉजिटिव तो हमने यूज कर लिया था, एच एसोफोर निगेटिव बचा था, तो आगे की प्रोसेस को कहते हैं डिसप्रोटोनेशन स्टेप, या इसे कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। देखिए इसको ऐसे उतार लेते हैं सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री पॉजिटिव, और यहां पर देखिए कंडीशन क्या है, प्लस एच एस ओ फोर निगेटिव स्टेप फर्स्ट में बना था। एक तो कंडीशन है इसको पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इससे जुड़ सकता है कोई एक दूसरा अनस्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है, बट ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं हम क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है H2SO4 एज अ कैटलिस्ट है, तो इसको हमें एडिशन ना करके क्या करना है, एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो जैसे ही किया था H2SO4 को ऐसे एलिमिनेट करना है। तो ध्यान दीजिए इसके बाद निगेटिव चार्ज है तो इसको चाहिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेगा कहां से, यहां से। देखिए इस निगेटिव ने अटैक किया इस एच पे तो ये बन जाएगा H2SO4, लेकिन H पॉजिटिव कब होगा, जब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाएगा तो ऊपर निगेटिव हो गया, ऊपर निगेटिव है उसके नेक्स्ट कार्बन पे आपका पॉजिटिव है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, या आप इसको क्या कर दो इस बॉन्ड को यहाँ मूव कर दो तो बॉन्ड इधर को मूव हुआ तो डबल बॉन्ड आ गया, न्यूट्रल हो गया और निकल गया आपका H2SO4 निकल गया, ये बन गया सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस H2SO4, जैसे ही किया था ऐसे आउट हो गया है। ध्यान दीजिए इसका नाम देखो, आपको अगर काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, टू पे आपके दो सी एच थ्री ग्रुप लगे तो इसको कहते हैं हम 2,2-dimethyl, और 1 2 3 चार कार्बन है तो इसको हम कहते हैं ब्यूटेन, और 3 पे आपका कीटोन ग्रुप है इसे नोन कहते हैं, तो ये हो जाएगा 3-butanone, जिसका कॉमन नेम कहते हैं पीना कलोन। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है बीएससी में एमएससी में, और जो आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कंपटीशन की तैयारी में आपसे पूछा जाएगा कि उसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, जो H2SO4 लिया जाता है वो आपका कैसा है, कैटलिस्ट है, जैसे इन करेंगे ऐसे आउट करेंगे, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये हमारा बन गया है नेम रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे आपका ऑक्सीमर्क्युलेशन, हाइड्रोब्रोमिनेशन, ये आपका डाईऑल है, जब किसी पर भी आपके दो वज ग्रुप होते हैं उसे डाईऑल कहते हैं, तीन होते हैं तो ट्राईऑल कहते हैं, अगर मोर देन 3 हो जाएगी तो उसको हम कह देते हैं पॉली डाईऑल।
पॉलीहाइड्रिक पॉलीऑल पॉलीऑल सॉरी पॉलीऑल कहते हैं। तो ये हम डिस्कस चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच।